हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग राजस्थान जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि होगा राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। ये आपको दिख रहा होगा, जो बैनर दिख रहा है ये मूमल बुक का है और इसी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जहां पर आपको राजस्थान जीके के फ्री टेस्ट वहां पर अवेलेबल है। प्रत्येक टॉपिक के आपको वहां पर टेस्ट मिल जाएंगे। आप फ्री टेस्ट देकर अपनी परीक्षा की जो तैयारी है उसको मजबूत कर सकते हो। अभी आरएएस की तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे, आरएएस की वैकेंसी जा चुकी है, लगभग 905 पद आए हुए हैं, तो वहां पर आपको आरएएस से रिलेटेड भी कंटेंट जरूर देखने को मिलेगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। ये यहाँ पर मैंने कुछ टेस्ट जो है उनके फोटोज लगाए हुए हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर मैं आपके लिए रोज स्टडी रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं वो लाता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा आज का होगा, कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? ठीक है, आप सभी को पता होगा कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 या फिर 21 जून 1576 जो है उसकी तिथि मिलती है। ठीक है, और महाराणा प्रताप और अकबर की ओर से मान सिंह ने युद्ध लड़ा था। ठीक है, मान सिंह था सेनापति। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि महाराणा प्रताप की ओर से एक तो पूंजा भील उसका सेनापति था, इसके अलावा अगर आपसे मुस्लिम सेनापतियों की बात करें तो हकीम खान सूरी, हकीम खान सूरी ने भी महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप को वैसे तो इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इसमें कोई भी विजयी नहीं रहा था, लेकिन एक ऐसा भी साक्ष्य मिला है जिसमें महाराणा प्रताप को विजयी माना गया है, और वो कौन सा साक्ष्य है? एक तो राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति के बारे में आपने पढ़ा होगा कि लगभग 1676 ईस्वी के आसपास राज प्रशस्ति जो है किसने रचवाई थी? राज सिंह ने राजसमंद झील की पाल पर। कौन सी झील की पाल पर? राजसमंद झील की पाल पर, नौ चौकी की पाल जिसे कहते हैं, नौ चौकी की पाल, वहां पर 25 काले पत्थरों पर ये जो प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति विश्व की और भारत की सबसे बड़ी प्रशस्ति इसको माना जाता है। इसके रचयिता भी आपसे पूछे जाते हैं राज प्रशस्ति के। राज प्रशस्ति के जो रचयिता है वो है रणछोड़ भट्ट तैलंग। कौन है? रणछोड़ भट्ट तैलंग, ये भी आपको याद रख के चलना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रणछोड़ भट्ट तैलंग राज प्रशस्ति के रचयिता है। तो इस राज प्रशस्ति में महाराणा प्रताप को विजयी माना गया है। ठीक है, ऐसे ही राज प्रकाश जो ग्रंथ है उसमें भी महाराणा प्रताप को विजयी माना गया है। इसके अलावा जगदीश मंदिर प्रशस्ति, आपको पता होगा जगदीश मंदिर जो है उदयपुर में है, और इसको सपनों से बना मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? सपनों से बना मंदिर इसको कहा जाता है, जगदीश मंदिर को। ठीक है, इस प्रशस्ति में भी तीनों की तीनों प्रशस्तियों में महाराणा प्रताप को विजयी माना गया है। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। देखो, एक क्वेश्चन हल्दी घाटी के युद्ध से वो भी आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। ठीक है, दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है, ऐसे ही बनायूनी ने क्या कहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी आपको याद रखते चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया? देखो, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस जो थे उन्होंने राजस्थान जो हमारा क्षेत्र है उसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है, स्टेनोग्राफ का परीक्षा पूछा गया क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराट नगर से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? देखो, महाभारत सभी ने देखी होगी, और पूरे इंडिया में पांडवों के द्वारा जो जहां जहां पर पांडव गए थे, ऐसे कई सारे स्थान जो हैं पूरे इंडिया में देखने को मिलते हैं। द्वारका में भी श्री कृष्ण का जो स्थान है वो माना जाता है, वहां पर भी पांडवों के अवशेष है, पांडवों ने मंदिर बनाए हैं, उनके अवशेष मिले हैं। ऐसे ही राजस्थान में भी उनके बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, विशेष करके अज्ञातवास के टाइम करके, जब वो युद्ध क्रीड़ा जो थी, जो जुआ था, उसमें जब हार गए थे पांडव, तब उनको वनवास जाना पड़ा 12 वर्ष का, और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तब वो जहां जहां पर विचरण उन्होंने किया था उसमें से एक स्थान राजस्थान भी है। ठीक है, और राजस्थान में अज्ञातवास जो बिताया था वो पैराट नामक जगह पर बिताया था, यहीं पर पैराट सभ्यता भी विकसित हुई है, वो भी आपको याद रख के चलना है। कौन सी जगह पर? एक तो है आपको याद होगा भीम की डूंगरी, ठीक है, भीम की डूंगरी भी है, वहां पर बीजक की डूंगरी है। इसके अलावा एक शिलालेख भी मिला है वहां पर, भापरू का शिलालेख जो कि कैप्टन बर्ट ने खोजा 1837 में।
किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने खोजा। कब खोजा? 1837 में खोजा, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य के यहाँ पर भी उदाहरण मिले हैं। अगर आपसे सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था टॉपिक, वैराट सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो दयाराम साहनी ने करी थी। और खुदाई किसने करी थी? नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने करी थी। ये सारे फैक्ट जो होते हैं आपको कनेक्ट करके पढ़ना होता है राजस्थान जीके। अगर आप राजस्थान जीके को कनेक्ट करके पढ़ रहे हो तो आपको याद रहेगा। अब विराट नगर जो है इसको बैराट कहते थे, और ये विराट नगर किस नदी के मुहाने पर है? तो आपको पता होगा कोई भी सभ्यता जो होती है वो नदी के किनारे पर विकसित होती है। बाणगंगा नदी के किनारे पर ये विकसित है, जयपुर में, ठीक है, ये आपको याद रखते चलना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शिलालेख और प्रशस्ति दी हुई है और उसका वर्ष आगे दे रखा है और हमसे पूछा है कौन सा जोड़ा जो है सही है, बताइए क्या होगा आंसर। देखो पहला शिलालेख जो है अचलेश्वर का शिलालेख। अचलेश्वर का जो शिलालेख है वो 1285 ईस्वी का शिलालेख है। सही बात है क्या? ये बिल्कुल सही बात है। दिलवाड़ा का शिलालेख 1216 ईस्वी का नहीं, ये गलत है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है वो 1460 ईस्वी की है, ये सही बात है क्योंकि कुंभा के टाइम की है ये, ठीक है। अचलेश्वर और थर्ड, ये दोनों तीनों हमारे सही है, केवल दिलवाड़ा जो है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फोर्थ ऑप्शन जो है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अवलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो आपको याद होगा एक शिलालेख था मानमोरी का शिलालेख। किसका शिलालेख? मानमोरी का शिलालेख। ये जो मानमोरी का शिलालेख है ना, इसमें चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर वर्णन मिलता है। इसमें ही ये पता चलता है हमको कि जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो किसने बनवाया? चित्रांगद मौर्य ने बनवाया। चित्रांग मौर्य ने बनवाया, ये भी इसी में पता चलता है मानमोरी के शिलालेख में, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रसिया की छतरी अवलेख पर नाम किसका उत्कीर्ण है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। रसिया की जो छतरी है उस पर नरवर्मा गोहिल का नाम उत्कीर्ण है। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सावर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया? देखो बिजोलिया शिलालेख जो है ना, इसमें एक तो आपको ये याद रख के चलनी है कि चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। चौहानों को ब्राह्मण वंश का बताया गया है, पहली बात तो याद रख के चलनी। दूसरी बात, बिजोलिया शिलालेख जो है इसमें विभिन्न विभिन्न नाम मिले हैं प्राचीन, जैसे कि बिजोलिया का खुद का नाम मिला है विद्यावल्ली। ऐसे ही जो हमारा यहाँ पर भीनमाल जो जालौर पड़ता है, भीनमाल, उसका नाम इसमें मिला है श्रीमाल, ठीक है। जालौर जो हमारा पड़ता है उसका नाम इसमें मिला है जावालीपुर। क्या मिला है? जावालीपुर। ऐसे ही जो हमारा मांडलगढ़ जो है भीलवाड़ा में, जहां का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है, उसका नाम मिला है मांडल का, ठीक है। ये प्राचीन नाम जो है बिजोलिया शिलालेख में मिले हैं। इसके अलावा वासुदेव चौहान जो है उसने ही अजमेर या फिर सांवर में चौहान वंश की नींव रखी, आदि पुरुष कहा जाता है वासुदेव चौहान को। सांवर झील का निर्माण करवाया। इसके अलावा बिजोलिया अवलेख में ही एक और चीज मिलती है, आपको याद होना चाहिए कि विग्रहराज चतुर्थ जो है, विग्रहराज चतुर्थ जिन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई। क्या बनवाई? अजमेर में संस्कृत पाठशाला, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दिया। किसने तोड़वा दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और वहां पर क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया, 2.5 दिन का झोंपड़ा वहां पर बना दिया, ठीक है। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ के बारे में ये याद रखना है कि इन्होंने हरिकेली नाटक की रचना करी। कौन से नाटक की? हरिकेली नाटक की रचना करी। तो इस शिलालेख में ये बताया गया है कि विग्रहराज चतुर्थ ने भाई साहब दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया था, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको बिजोलिया के बारे में याद रखे चल रहे। अगला हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएससी एफएसओ में पूछा गया है, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का जो मत है वो सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो राजपूतों की जो विदेशी उत्पत्ति का जो मत है वो कर्नल टोड, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, और जिन्होंने हमारी जो सामंतशाही व्यवस्था है उसके बारे में सबसे पहले लिखने का प्रयास किया। राजस्थान के इतिहास का जनक भी इसे कहा जाता है, कर्नल टोड, ठीक है, ये आपको याद रखते चलना है। और कर्नल टोड से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे हल्दी घाटी के युद्ध में थर्मोपल्ली कहा, दिवेर को मैराथन कहा, गुरु शिखर चोटी को संतों का शिखर कहा, इनसे किसी ने पूछा कि आप कौन सा किला लेना चाहोगे राजस्थान में, तो भैंसलोड़गढ़ का किला है इन्होंने कहा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इनसे संबंधित मिल जाएंगे। इनकी पुस्तक है एनाल्स इन एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस सारे कर्नल टोड के बारे में आप जरूर पढ़ना चाहिए। तो विदेशी उत्पत्ति का मत सबसे पहले कर्नल टोड ने दिया।
अगला हमारा है ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ग्वालियर अभिलेख जो है हमारा, उसमें मलेच्छों का जो नाशक है वो किसे कहा गया है। नागभट्ट को कहा गया है, नागभट्ट को मलेच्छों का नाशक कहा गया है। बिजवलिया अभिलेख के अनुसार सांवर झील का निर्माण किसने करवाया। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर पढ़ा ये क्वेश्चन जो पढ़ा था, सांवर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा मिलता है। तो जैन मंदिर की जो स्थापना का उल्लेख करने वाला जो प्रतिहार अभिलेख है वो खटियाला अभिलेख मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जोधपुर का खटियाला अभिलेख। बडली प्रस्तर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये भाई बडली प्रस्तर जो अभिलेख है ना, ये हमारा प्राचीनतम अभिलेखों में आता है और ये लोत माता मंदिर के पास से मिला है। और लोत माता मंदिर कहाँ पर है, अजमेर में मिला है, लोत माता मंदिर के पास बडली का प्रस्तर अभिलेख। बडली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया अजमेर में है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है ये बडली वाला अभिलेख लोत माता के मंदिर में। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। तो कुंभा के समय का जो प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है वो पदराड़ा गांव से प्राप्त हुआ है। कौन से गांव से, ग्राम पदराड़ा से प्राप्त हुआ है, ये भी आपको याद रखते चलना है। गोचुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। देखो अभिलेखों से संबंधित एक तो आपको भाषा पूछी जा सकती है कि कौन सी भाषा में लिखा गया है, वो प्राकृत भाषा है या कौन सी भाषा है। एक लिपि पूछी जा सकती है जैसे ब्राह्मी लिपि है या देवनागरी लिपि है। तो गोसुंडी अभिलेख की हम बात करें, पहली बात तो यही पता होना चाहिए कहां से मिला है गोसुंडी अभिलेख, चित्तौड़ से मिला है, ठीक है। और इसके बारे में एक फैक्ट ये भी याद रख के चलना है कि इसमें भागवत संप्रदाय के यानी कि भागवत का प्रचार होने के प्रमाण मिलते हैं। उस टाइम पर भागवत का बोलबाला था इस रीजन में, उसके प्रमाण इसमें मिलते हैं। तो ये कौन सी लिपि से संबंधित है, ब्राह्मी लिपि से संबंधित है गोसुंडी अभिलेख। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मवती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं। भाई साहब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रानी कर्मवती द्वारा जौहर के जो प्रमाण मिलते हैं वो पूर्व ताम्र पत्र से मिलते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किससे प्राप्त होती है। ऊपर जब हम पढ़ रहे थे कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख वाला, तो उसमें मैंने घटियाला पढ़ाया था और घटियाला के बारे में मैंने क्या बताया कि ये जोधपुर के प्रतिहारों से संबंधित है और मंडोर कहाँ पड़ता है, जोधपुर में ही पड़ता है। कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है। देखो भाई साहब पृथ्वीराज विजय एक ग्रंथ है, जयानक के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है। इसमें सोमेश्वर जो है पृथ्वीराज तृतीय के क्या है, पिता मिलते हैं। सोमेश्वर पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे और पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है जयानक का, उसमें सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत राजवंश पर बिजौलिया अभिलेख जो है अधिक प्रकाश डालता है। तो बिजौलिया तो भाई साहब चौहानों से संबंधित है, चौहानों को ब्राह्मण बताया है इन्होंने। किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो राजपूतों की उत्पत्ति कवि चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज कौन सी लिखी, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना करी। भट्ट चारण कवि थे, भट्ट चारण कवि थे और इसमें राजपूतों की उत्पत्ति जो है वशिष्ठ के द्वारा अग्निकुंड से तो उत्पन्न की गई है। चार ऐसी जातियां थी जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की जो प्रतीक है नाद की से प्रतिमा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाद की से प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नाद की से प्रतिमा जो है वो कहां से प्राप्त हुई है, अजमेर से नाद की से प्रतिमा प्राप्त। अगला, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आबू का जो अभिलेख है उसके लेखक है शुभचंद्र, शुभचंद्र आबू के अभिलेख के लेखक है। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्न में से कौन से हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। अपराजित का जो शिलालेख है उसके रचयिता है गजोदर। तो ये सारे नाम आपको याद रख के चलना है। एक तो नाद की से प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है, अजमेर से। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है, शुभचंद्र। अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है, गजोदर है। ये पुलिस परीक्षा के क्वेश्चन है। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन किसने कहा है, कर्नल टोड ने कहा है ये कथन, बहुत प्रसिद्ध कथन है इनका। किसानों की वसूल की जाने वाली विविध लागबागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट लगा लो, इस पे स्टार लगा लो। किसानों से वसूल की जाने वाली लागबाग जो वर्णन मिलता है लागबागों का, वो मिलता है चीकली ताम्रपत्र में। कौन से ताम्रपत्र में,
चीफली ताम्र पत्र में मिलता है, जो कि कब का है, 1483 ईस्वी का ताम्र पत्र है, चीफली ताम्र पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख किसमें मिलता है? तो विश्वरूप जो है उनका उल्लेख मिलता है हर्ष पर्वत का शिलालेख, 975 ईस्वी का शिलालेख है। इसी हर्ष पर्वत के ऊपर जीर्ण माता का मंदिर है, जिसको मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, चौहानों की देवी कहा जाता है, और कहां पर है ये, सीकर में है। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश उत्पन्न होना माना है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो डॉक्टर भंडारकर जो है उन्होंने चौहानों का ब्राह्मण वंश उत्पन्न होना माना है, डॉक्टर भंडारकर। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर से इनका पूरा नाम मिलता है, इन्होंने राजस्थान की जो भाषाएं हैं उन पर भी काम किया था। चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा है? भीनमार। ये चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य मिलता है। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र से महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था? बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है उसको जांगल देश के नाम से जानते थे, और इसकी राजधानी जो है वो अही छत्रपुर कही जाती थी, जो कि वर्तमान नागपुर में है। कहां पर है? वर्तमान नागौर में है, अही छत्रपुर, जांगल देश कहते हैं बीकानेर और जोधपुर। कौन सा युग्म सही नहीं है? घोसुंडी, घोसुंडी सर्वताल इन्होंने लिखा, सही बात है। अजमेर विग्रहराज, ये भी सही है। घटियाला में कुक का वर्णन है, ये भी सही है। ठीक है, राजसमंद में केलहन देव का वर्णन है, ये सही नहीं है। देखो घोसुंडी जो अभिलेख है चित्तौड़गढ़ का, उसमें सर्वताल का वर्णन है, ये सही बात है। अजमेर वाले अभिलेख में विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन है, ये भी सही है। घटियाला वाले में कुक का वर्णन है, राजा कुक का, ये भी सही है। तीनों हमारे सही है, केवल राजसमंद का जो अभिलेख है उसमें केलहन देव का वर्णन नहीं है। डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजाओं के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित कथनों में से एक शिलालेख मिलता है हमारा चीरवा का शिलालेख, कौन सा शिलालेख? चीरवा का शिलालेख। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, यह 1273 ईस्वी का संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण है। एक तो आपको सन याद रखना है कब का है, 1273 का है। दूसरा आपको संस्कृत भाषा याद रखनी है, कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। रत्नप्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे क्या? ये भी सही बात है। इसके प्रशस्तिकार कौन है? देखो एक एक सिंगल क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ये क्वेश्चन आ सकता है। चीरवा का शिलालेख किस सन का है? 1273 ईस्वी का है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। प्रशस्तिकार कौन थे? रत्नप्रभ सूरी थे। शिल्पी कौन थे? देलहण थे। शिल्पी देलहण थे इसके, ये भी याद रखना है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है? नहीं, बस इसमें तो मेवाड़ के गुहिल वंशी जो राणा है इसमें समर सिंह, जैत्र सिंह, इनके बारे में इसमें वर्णन मिलता है। समर सिंह के काल तक की जानकारी यहां पर मिलती है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? ये तो मैं कई बार बता चुका हूं अब तक। बिजोलिया शिलालेख, जो कि 1170 ईस्वी का शिलालेख है। बिजोलिया शिलालेख कब का है? 1170 ईस्वी का। भीलवाड़ा जिले से प्राप्त हुआ है। प्रशस्तिकार भी पूछे जाते हैं इसके बिजोलिया शिलालेख के, प्रशस्तिकार हैं इसके गुणभद्र। कौन है? गुणभद्र इसके प्रशस्तिकार है बिजोलिया शिलालेख के। और सांवर, साकंबरी और अजमेर के चौहानों का इसमें वर्णन है। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में साकंबरी में चौहान राज्य की स्थापना करी और सांवर झील का निर्माण करवाया, ये इसमें वर्णित है। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, 2-3 बार आया है क्वेश्चन। 3 मोखरी अभिलेख प्राप्त हुए बड़वा ग्राम कोटा से। ठीक है, मोखरी वंश से संबंधित है ये, मोखरी राजाओं का ये सबसे पहला और पुराना अभिलेख है। किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो भाई साहब हमारा एक जिला है बाड़मेर जिला, जहां पर अभी एक जगह है पचपदरा, वो बहुत प्रसिद्ध हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर ऑयल रिफाइनरी खोली जा रही है, और एक वहां पर रेल की पटरियों वाला कारखाना भी है, वो भी है, अनुसंधान केंद्र भी है, वो भी आपको याद करके चल रहा है। किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति, कौन कौन सी जाति, शक और सीथियन, इन दोनों जातियों का वंशज माना है? तो जेम्स टॉड। ये क्वेश्चन भी आया था कि राजपूतों की उत्पत्ति का जो विदेशी मत है सबसे पहले किसने दिया था? कर्नल टॉड ने दिया था। ऐसे ही राजपूतों को शक और सीथियन जाति का भी वंशज किसने माना है? जेम्स टॉड ने माना है। अच्छा क्वेश्चन, कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? तो अग्निकुंड से 4 वंश उत्पन्न हुए थे। एक तो हमारे परमार, चौहान,
चालुक्य और सोलंकी। सिसोदिया तो हमारा बाद में जो गोहिल वंशी शासक थे मेवाड़ के, उसके बाद सिसोदिया चालू हुआ। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित करी है? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को इन्होंने समर्पित करी है। कौन सी? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। 8 मार्च 1818 को कर्नल टॉड को मेवाड़ और हड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट बनाया जाता है, दक्षिण पश्चिम राजपूताने का रेजिडेंट नियुक्त करते हैं। फिर दो भागों में इतिहास लिखा, एक तो 1829 ईस्वी में एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान प्रकाशित हुआ, जिसमें उस टाइम की भौगोलिक स्थिति, शासकों की वंशावली मिलती है, उस टाइम की सामंती व्यवस्था और मेवाड़ के इतिहास का प्रमाण मिलता है। दूसरा, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा भाग जो है ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान, ये 1839 में उनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुआ। तो ये दोनों के इतिहास मिलते हैं, एक तो 1829 में, एक 1839 में, और किसको समर्पित है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। मुंडियार्री ख्यात जो है हमारा, ये किसके राठौड़ों को विषय में बताया गया है? तो मारवाड़ के जो राठौड़ राजा थे उनके बारे में मुंडियार्री ख्यात में बताया गया है। देखो, माँ से मुंडियार और माँ से मारवाड़, ठीक है। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक ओर सामग्री साम्राज्ञी विक्टोरिया और दूसरी ओर विक्टोरिया एम्प्रेस अंग्रेजी में लिखा होता था, और दूसरी ओर नागरी और उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो बीकानेर के जो राज्य के सिक्के थे उनको गजशाही सिक्का कहा जाता था, ठीक है। तो कौन सा था ऐसा? गंगा सिंह के टाइम पर साम्राज्ञी विक्टोरिया लिखा हुआ होता था, विक्टोरिया एम्प्रेस, और महाराजा का नाम लिखा होता था। बीकानेर राज्य से संबंधित है ये क्वेश्चन, अच्छा है। मुनोत नैणसिंह किस राजा का मंत्री था? भाई साहब, जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह, उनका दीवान था ये, और मुनोत नैणसिंह ने नैणसिरी ख्यात लिखी। इसके अलावा एक मारवाड़ रा परगनारी विगत लिखी, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं, मारवाड़ रा परगनारी विगत ये लिखी, इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर कहते हैं, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? रीमा हुजा, ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं, रीमा हुजा। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, हरविलास सारदा, क्योंकि इन्होंने सारदा एक्ट लाया था जो कि बाल विवाह निषेध कानून था, सारदा एक्ट। ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। एक ताम्रपत्र है, ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र, जिसके आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज बताया गया है और इनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा गया है। तो किसने जोड़ा है संबंध? कनिंघम ने जोड़ा। किसने जोड़ा? कनिंघम ने संबंध जोड़ा। राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया? राजपूतों को बी ए स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। कौन सा विद्वान गुहिलतों को ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? जो गुहिलोत है, गुहिल वंश जो है, उसकी ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, G.H. ओझा, गौरी शंकर गिराचंद ओझा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला, इसके लेखक कौन मिलते हैं? तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला जो है इसके लेखक मिलते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी देता है? चौहान शासकों की। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? तो वो कर्नल टौड़ी थे, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं, और कहाँ से मिले हैं? एक तो विराटनगर से, एक आहड़ सभ्यता से, एक रेड सभ्यता जो है जिसके बारे में मैंने बताया था, रेड सभ्यता बीएन मिश्र, और क्या मैंने बताया था, इसे राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं, सबसे ज्यादा आहत सिक्के मिले हैं यहाँ से, और नगर सभ्यता, नगर सभ्यता टोंक में है, यहाँ से हमको आहत सिक्के मिले हैं। विराटनगर से 16 सिक्के राजा मिनेंडर के भी प्राप्त हुए, मिनेंडर के सिक्के। बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? चावड़ा। बसंतगढ़ जो शिलालेख है वो चावड़ा वंश से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? अगर हम फारसी भाषा की बात करें, अजमेर जिले में सबसे प्राचीनतम अभिलेख है।
राजपूतों में दिल्ली के सुल्तानों के मध्य संबंध मिलते हैं इसमें, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति के बारे में पता चलता है, अढ़ाई दिन का जो झोंपड़ा है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वहां से ये जो अभिलेख है प्राप्त किए गए। अखैसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अखैसाई, नाम याद रखना है, अखैसाई जैसलमेर में प्रचलित थे। इसके अलावा अखैसाई के अलावा मोहम्मद साई और डोड़िया सिक्का कहा जाता था, डोड़िया, डोड़िया सिक्का, मोहम्मद साई और अखैसाई। झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में था? जयपुर रियासत में। जयपुर के सिक्के थे उनको झाड़साही, मोहम्मद साही, इसके अलावा हाली सिक्का और गधिया सिक्का कहा जाता था, हाली और गधिया जयपुर के सिक्कों। निम्न में से कौन सा स्रोत जो है चहामान काल की जानकारी नहीं देता है? बताओ, देखो पृथ्वीराज विजय इस पर ही लिखा हुआ है जयानंद के द्वारा, ये देखा बिल्कुल चौहानों के बारे में। पृथ्वीराज रासो नाम से पता चल रहा है, चंद्रबरदाई ने लिखा, पृथ्वीराज तृतीय का दोस्त था। बिजोलिया में चौहानों के बारे में बताई गया है, वत्सपुत्र ब्राह्मण तीनों देते हैं, तो बचिया घटियाला। अब घटियाला जो है हमारा ये मंडोर जोधपुर में है और ये प्रतिहारों के बारे में बताता है, और प्रतिहारों में भी राजा थे कुक्कू, उनके बारे में बहुत बताता है, उनकी उपलब्धियों का वर्णन करता है। जोधपुर के जैन मंदिरों का वर्णन करता है, ये मंडोर में है। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस रासों में बताई है? पृथ्वीराज रासों में बताई गई है, जिसके लेखक चंद्रप्रदाई थे। दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का संबंध जो है वो राजस्थान से था, एक तो भाई साहब कणसवा कोटा का अभिलेख है और एक मानमोरी का अभिलेख है चित्तौड़गढ़। कणसवा अभिलेख जो है 738 ईस्वी का, उसमें मौर्य राजा जो है धवल उनका उल्लेख मिलता है, और मानमोरी में चित्रांगद मौर्य का मिलता है, जिसने चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया। किस पठार पर है? मेसा के पठार पर है। किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए? तो राजस्थान में प्राप्त हुए। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। राजपूत जो है वैदिक आर्यों की संतान है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बताया। पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाया हुआ है। किससे संबंधित है ये? राजस्थानी साहित्य से। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों, हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण कहाँ पर है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकर में। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट कहाँ के थे? पश्चिमी राजपूताना स्टेट्स के। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, 1460 ईस्वी की प्रशस्ति है और महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो प्रशस्ति है ये उसके रचयिता है महेश भट्ट, इसमें महाराणा कुंभा की विजय उपलब्धियां ग्रंथ और उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर है? ये भाई साहब जयपुर में है। महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय इन्होंने स्थापना करी थी 1952 में, इसमें अरबी फारसी और राजस्थानी भाषा के अनेक ग्रंथ हैं। कवि राजा श्यामल दास ददिवाड़िया और पुरातत्व बेता मुनि विजय का किस जिले में जन्म हुआ? इनका भीलवाड़ा में जन्म हुआ था। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताया है? क्षत्रियों से बताई है राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक है। राजस्थानी इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल टोड पहले इतिहासकार थे जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा इतिहास, इन्हें जनक या पिता कहा जाता है। एनाल्स ने एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी इन्होंने दो भागों में। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो ये सोमेश्वर के काल का, ये अच्छा क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख जो है सोमेश्वर के काल का है। जैन श्रावक लोलाक द्वारा बनवाया गया था, रचयिता इसके गुणभद्र थे। सांभर और अजमेर के चौहानों के बारे में वर्णन है। सूर्यमल मिश्रण इनका जन्म कहाँ पर हुआ? ये भाई साहब बहुत फेमस कवि है, वीर रस में इन्होंने कविताएं लिखी है। बूंदी में इनका जन्म हुआ, बूंदी के हरणा गांव में 1872 में इनका जन्म होता है सूर्यमल मिश्रण का। बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे, इन्होंने वंश भास्कर, वीर सत्सई, बलवत विलास, छंद मधु, राम रंजाट, सती रासो, धातु रूपावली इन प्रमुख ग्रंथों की रचना करी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वंश भास्कर, वीर सत्सई, बलवंत विलास, छंद मयूर, राम रंजाट, सती रासो और धातु रूपावली। ये 70 क्वेश्चन जो थे हमने राजस्थान के इतिहास के स्रोतों से डिस्कस किए। देखो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी।
ठीक है, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए वीडियो का लिंक, जैसे आप सपोर्ट कर सकते हो वैसे आप सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की जरूरत है। और फ्री टेस्ट अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन पे, उनको आप दीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। धन्यवाद। Thank you.